डिस्कस एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स. जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो हमने लास्ट टॉपिक में लेक्चर में हमने स्टडी किया था, एंटी माइक्रोबैक्टीरियल ड्रग्स, उनके टाइप थी जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, एंटी माइक्रोबैक्टीरियल जो एजेंट्स हैं उनके टाइप है. एंटी माइक्रोबैक्टीरियल एजेंट्स के दो टाइप थे, ठीक है. फर्स्ट वन लेप्रोस्टेट डिजीज, सेकंड वन इज ट्यूबरक्लोसिस. नाउ वी डिस्कस द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स इन विच दोज ड्रग्स वी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. जो हम ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं ड्रग्स को, उनको हम बोलते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स. अब एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग्स है, जो है हमारी एंटी ट्यूबरकुलोसिस है, उसे हम क्या बोलते हैं, टीबी. अब ये टीबी है, ये क्या है, एक एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज है. और माइक्रोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस है, ये मेन हमारा बैक्टीरिया है जिसके थ्रू जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और उसके थ्रू हमें जो है डिजीज हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी हो जाता है. ये मेनली हमारे इफेक्ट का ऊपर डालते हैं जो ट्यूबरकुलोसिस है. ये हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर मेनली इफेक्ट डालती है, ठीक है. जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, ये मेनली इफेक्ट का करेगा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लंग्स, ठीक है. दो हमारे पार्ट्स हैं जो हमारे ज़्यादा मेनली इफेक्ट होते हैं, जो लार्ज पोर्शन इनका इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में. देन जो टीबी इज अ कॉमन इन एड्स पेशेंट्स, टीबी जो है वो क्या है, कॉमन है जो एड्स के पेशेंट्स होते हैं उनमें कॉमनली प्रेजेंट होती है, ठीक है. जो टीबी कॉमन इन द एड्स पेशेंट्स, जो एड्स के पेशेंट्स हैं उनमें टीबी की जो प्रॉब्लम है वो मेन होती है. अब दो टाइप होती है टीबी की, एंटी ट्यूबरकुलर जो है क्लोसिस की. फर्स्ट है हमारी प्राइमरी, दूसरी पोस्ट प्राइमरी. टू टाइप्स हैं, फर्स्ट है प्राइमरी और दूसरे पोस्ट प्राइमरी. प्राइमरी जो है उसमें क्या होता है, जो हमारे माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है, जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड थ्रू ब्लड एंड बोन्स, ब्लड के थ्रू स्प्रेड होकर वो क्या बोन्स तक पहुंच जाती है.
प्राइमरी स्टेट है हमारी, उसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है पहले ब्लड में जाती है, ब्लड से वो बोन्स तक पहुंच जाती है। पोस्ट प्राइमरी में क्या है, जो इन्फेक्शन है वो लोकलाइज जो टिश्यूज है वहाँ उस एरिया में जहाँ पर इन्फेक्शन हो रही है उसके जो लोकलाइज टिश्यूज हैं उनकी डेथ हो जाती है। जहाँ पर भी इन्फेक्शन क्रिएट होगी, जहाँ पर भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होगा, बैक्टीरिया होगा, वहाँ पर जो उनके टिश्यूज हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो डेड हो जाते हैं। अल्सरेशन एंड कैविटी कैविटेशन टू डिवन एक्सटेंसिव लेशन, अल्सरेशन हो जाते हैं और जो है हमारे जो एक्सटेंसिव लेशन हो जाते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो जो ट्यूबरक्लोसिस है, फर्स्टली हम जब हमने देखा कि ट्यूबरक्लोसिस में क्या मेजर एडवांसेस जब हुई, एडवांसमेंट हुई, ठीक है, उस टाइम था जो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हैं उसमें जो ट्यूबरक्लोसिस है उस पर जो सल्फोनामाइड्स है वो कम इफेक्ट करती हैं। जो सल्फोनामाइड हम पहले यूज कर रहे थे वो लेस इफेक्टिव थी ट्यूबरक्लोसिस पर, ठीक है, उनका कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता था, इसलिए हमने क्या किया स्लाइटली हमने डेवलपमेंट की डेप्सोन की, ठीक है, एंटी प्रोटेक्ट ड्रग भी है जो ट्यूबरक्लोसिस में भी यूज होती है। उसके बाद हमने जो है एडवांसमेंट की और डेवलपमेंट की, उस डेवलपमेंट में जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है वो बनाने स्टार्ट की हमने, ठीक है, मेनली जो एंटी ट्यूबर टीबी ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट में यूज हो। जैसे हमने फर्स्टली जो ड्रग बनाई थी वो थी स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो हमने फर्स्ट एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग बनाई थी वो थी हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन इन 1944 में बाय बैक्समैन एंड इट्स एसोसिएट, उसकी जो मेंबर्स थे और जो बैक्समैन था उसने 1948 में पहले जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग बनाई उसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब उसकी ऑब्जर्वेशन जब हमने की, ठीक है, जब ऑब्जर्वेशन किया जो सैलिसिलिक एसिड जब इंक्रीज होता है उसमें तो ऑक्सीजन कंजप्शन होती थी, ठीक है, जिसके कारण जो डेवलपमेंट से हमने क्या बनाया फिर पी एमाइनो सैलिसिलिक एसिड। जो पी एमाइनो सैलिसिलिक एसिड है उसे हम एज अ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एजेंट्स यूज करते हैं। उसका हमने धीरे धीरे आइसोनाइजिड की जो है डेवलपमेंट की, ठीक है, स्ट्रक्चर उसकी मॉडिफाई की विद विटामिन जो है बीटा कॉम्प्लेक्स के साथ। जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स थे उसमें दो एजेंट थे, दो लाइन के, फर्स्ट लाइन एजेंट्स और सेकेंड लाइन एजेंट्स। अब हम इसमें नेक्स्ट हम करेंगे टॉपिक, इसमें टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स। फर्स्ट है हमारा पी एमाइनो सैलिसिलिक एसिड एंड एनालॉग। इसमें क्या हमारी एग्जांपल है पी एमाइनो सैलिसिलिक एसिड, हम पास भी बोल देते पी अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। दूसरी हमारी है इसमें क्लासिफिकेशन जो पाइरिडीन डेरिवेटिव्स। अब पाइरिडीन जिसमें
जिस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगी रिंग उसे हम बोलेंगे पायरिडीन डेरिवेटिव, उसमें आइसोनियाज़िड और इथोनामाइड है। पायरिडीन जो डेरिवेटिव्स हैं उसमें हमारे आ गया आइसोनियाज़िड, पायराज़िनामाइड। नेक्स्ट है जो हमारा इथाइलीन डायमाइड डेरिवेटिव्स और एंटीबायोटिक। उसमें हमारी एग्जांपल इथोम्ब्यूटोल और जो हमारे ये इसमें एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन और रिपैमिसिन। रिफैमिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड हमारे साइक्लोसेरिन जो इसकी एग्जांपल्स हैं। अब हमने जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं उनको क्लासिफाई किया है 5 कैटेगरीज में। फर्स्ट पी एमाइनोसैलिसिलिक एसिड एनालॉग, जिसमें जो हमारे पी एमाइनोसैलिसिलिक के डेरिवेटिव्स यूज हुए वो उसकी एग्जाम्पल है। फर्स्ट पास मतलब पी एमाइनोसैलिसिलिक एसिड, देन पायरिडीन डेरिवेटिव। अब जिस जो है जो हमारी जो स्ट्रक्चर्स हैं ठीक है, जिनमें कंपाउंड्स है जिनमें पायरिडीन डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, पायरिडीन प्रेजेंट होगी वो एग्जांपल्स उनमें आइसोनियाज़िड एंड इथोनामाइड। पायराज़िन डेरिवेटिव मतलब पायराज़िन जिसमें रिंग प्रेजेंट है उसके कौन कौन से आगे डेरिवेटिव्स है, पायराज़िनामाइड। इथाइल डाइअमाइड डेरिवेटिव्स इसमें एग्जाम्पल्स आगे इसकी इथोम्ब्यूटोल। नेक्स्ट है हमारा एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक में साइक्लोसेरिन, रिफैमिसिन, साइक्लोसेरिन, रिफैमिसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारी एग्जांपल्स हैं। अब जो इसको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं ठीक है, एजेंट्स हैं, उसको हमने आगे जो क्लासिफाई किया 2 लाइंस में, फर्स्ट लाइन ड्रग्स और सेकेंड लाइन ड्रग्स। दो लाइन्स है हमारी ड्रग्स की, फर्स्ट लाइन ड्रग्स एंड नेक्स्ट है सेकंड लाइन ड्रग्स। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में क्या, जो हमारे ड्रग्स है दे आर वेल टॉलरेटेड एंड हैव लेस इंसिडेंस टू साइड इफेक्ट। नहीं होता मतलब बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं, उसमें एग्जांपल है
आइसोनियाजिड, रिफैम्सिन, पायराजिनामाइड, इथम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। एग्जाम्पल्स में आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड और रिफैम्सिन। जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है उसमें जो हमारे ड्रग्स हैं उनके कम जिनके साइड इफेक्ट है और अच्छे से जो है टॉलरेट हो जाते हैं। फर्स्ट हमारी आइसोनियाजिड, रिफैम्सिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड। सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं जो वो लेस टॉलरेटेड होंगी, लेस टॉलरेटेड होंगी और हायर एडवर्स इफेक्ट होंगे। जो है सेकेंड लाइन ड्रग्स है वो क्या है, हमारे हायर एडवर्स इफेक्ट है एंड लेस टॉलरेटेड होंगी। एग्जाम्पल है इसकी, इनको हम कम यूज करते थे या यूज इफ रेजिस्टेंस और इनटॉलरेंस ऑफ फर्स्ट लाइन एजेंट डेवलप्स। जब हम केवल फर्स्ट लाइन ड्रग्स हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, उसका थोड़ा सा इन्फेक्शन रह जाता है तो हम ये सेकेंड लाइन ड्रग्स दे देते हैं ताकि उनका जो, या फिर फर्स्ट लाइन ड्रग के साथ हम इनके कॉम्बिनेशन में ये ड्रग्स दे देते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट हमारी जो ड्रग है आइसोनियाजिड। जो हमारी फर्स्ट जो ड्रग है वो है आइसोनियाजिड। इसका जो अदर नाम है वो क्या, INH आइसोटिक आइसोनिकोटोनिक एसिड हाइड्राजाइड, ठीक है। अब इसका केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल नाम क्या है वो हम करेंगे। यह है हमारी स्ट्रक्चर आइसोनियाजिड। यह हमारी स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, ये हमारी रिंग कौन सी है आइसोनियाजिड में जो है पायरिडीन। ये हमारी कौन सी रिंग है, पायरिडीन रिंग है, ठीक है। पायरिडीन में क्या है, एन है, ठीक है। इसकी हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, एन एटम से, वन, ठीक है, 1, 2, 3, 4। ये क्या हमारा पायरिडीन। जो हमारी मेन पेरेंट रिंग जो कौन से वो है हमारी पायरिडीन, क्योंकि ये पायरिडीन डेरिवेटिव से बने तो उसमें जो भी पायरिडीन के डेरिवेटिव्स होंगे उनमें पायरिडीन रिंग प्रेजेंट होगी। अब हम इसकी कैसे नंबरिंग करेंगे, जो हमारे पास ये ग्रुप क्या है, कार्बो, इसे हम बोलते हैं हाइड्राजाइड।
कार्बो प्लस हाइड्रोक्साइड। अब हम नंबरिंग क्या करेंगे, पायरिडीन की जो फोर्थ पोजीशन पे कौन सा ग्रुप हमारे पास अटैच है, कार्बो एंड हाइड्रोक्साइड, इसे हम लिख लेंगे कार्बो हाइड्रोक्साइड, इसे हम पहले लिख देंगे पायरिडीन। फोर पोजीशन पे है तो फोर, फिर नाम आएगा इसका कार्बो हाइड्रोक्साइड। इसका यूपीएससी नाम क्या बना, पायरिडीन फोर, ठीक है, कार्बो हाइड्रोक्साइड, मतलब ये दो ग्रुप जो प्रेजेंट है पूरे इस ग्रुप को क्या हम बोलते हैं, कार्बो हाइड्रोक्साइड, वो लिख दिया। फोर पोजीशन पे है तो फोर, और ये इनका हमने नाम लिख दिया पायरिडीन। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है, फर्स्ट है कलरलेस क्रिस्टल है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस है, ठीक है, स्वीट टेस्ट है, बिटर टेस्ट भी होता है, और सोलबल इन वाटर। इसके जो अब यूज है, यूज किस किस में हम करेंगे इसका, यूज है जो फर्स्ट हम इसका यूज करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, सेकंड इसका यूज है जो है ल्यूपस वेलिगरसी में, ठीक है, उसके बाद जो इसका यूज हम देते हैं जब आयोनाइजेड जो है डेवलप रेजिस्टेंस विद इन फ्यू पी, थोड़े टाइम में अपना जो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, कम हो जाता है, फिर हम कंजक्शंस में, ठीक है, इथम्ब्यूटल और रिफैम्पसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन के कॉम्बिनेशन में हम आयोनाइजेड जो है वो हम जो है पर्सन को, पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद है एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो लेशंस होते हैं हमारी बॉडी में उस पर हम इसका यूज करते हैं। इसकी स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी क्या है, स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी में क्या है कि जो एक आइसोनियासिड है वो क्या इफेक्ट होते हैं लाइट से, इट इज इफेक्टेड बाय लाइट एंड हैंस इट इज स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स। हम इसे स्टोर करते हैं टाइटली क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स में ताकि जो इसमें लाइट है वो पास ना हो सके और जो हमारी जो मेडिसिन है वो प्रोटेक्ट रहे। नेक्स्ट है हमारे इसमें जो प्रेपरेशन कौन कौन सी हैं, जो आइसोनियाजिड इसके एलिक्सर सिरप्स भी आते हैं मार्केट में, टैबलेट्स भी आती हैं इसकी, सोडियम जो अमाइनो सैलिसाइलेट है और आइसोनियाजिड है जो उनके ग्रैन्यूल्स भी आते हैं, ठीक, आइसोनियाजिड के इंजेक्शंस आते हैं प्रेपरेशंस में, जो आइसोनियाजिड है वो हम रिफैम्पसिन टैबलेट्स के साथ भी कॉम्बिनेशन में पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। अब जो आइसोनियाजिड है इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है, जब हम आइसोनियाजिड है जब उसको हम ट्रीटमेंट कराएंगे ब्रोमिन वाटर के साथ, ये हमारी आइसोनियाजिड, जब हम इसे ट्रीटमेंट करवाते हैं प्लस ब्रोमीन वाटर के साथ हम जब इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं तो इससे क्या बनता है, आइसोनिकोटिनिक एसिड बनता है। आइसोनिकोटिनिक एसिड बनता है, जो आइसोनिकोटिनिक एसिड है वो उसके स्ट्रक्चर हम कर लेते हैं,
पास क्या बनेगा, आइसोनिकोटोनिक एसिड रिंग है COOHO में प्लस नाइट्रोजन जो इसमें है वो लिबरेट हो जाती है नाइट्रोजन गैस बन के, और हमारे पास जो फॉर्म होता है जो सब्स्टिट्यूट बनता है उसे बोलते हैं आइसोनिकोटोनिक एसिड। नेक्स्ट है जब हम व्हेन आइसोनियाजिड इज ट्रीटेड विद आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, जब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या, इट इज कन्वर्टेड टू एन आइसो निकोटिनाइन, ठीक है, जो सॉल्यूशन है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे इसकी हम अगर इसको हम आइसोनियाजिड को बेंजीन सल्फोनाइल है जो क्लोराइड है उसके साथ अगर ट्रीट करवाएंगे तो इट इज कन्वर्टेड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनाइल डेरिवेटिव के डेरिवेटिव्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको जो है आइसोप्रोपाइल के साथ रिएक्ट करवाएंगे जो हमारा आइसोनियाजिड है, जब हम आइसोप्रोपाइल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो हमारा क्या बन जाता है, बेंजीन CONH CH, इसके साथ ये दो कंपाउंड लगेंगे। ये बन गया हमारा आइसोप्रोपाइल, ये बन गया हमारा, इट इज कन्वर्टेड एन आइसो निकोटिनाइन। ये क्या करता है, ये एंटी ट्यूबल जो एक्टिविटी है उसको, एक्टिविटी होती है उसको पोजेस करता है, बट इट इज मोर टॉक्सिक है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है, इसलिए हम जो है इसकी जब केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो इसे हमें थोड़ा केयरफुल करना चाहिए। अब हमने इसमें क्या स्टडी का, जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है उसका जो आगे हम टॉपिक है वो नेक्स्ट जो इसमें डिस्कस करेंगे लेक्चर में। पहले हमने एंटी ट्यूबरकुलर की ड्रग्स की इंट्रोडक्शन की, उसकी क्लासिफिकेशन टाइप, और देन हमने आइसोनियाजिड जो ड्रग है उसको हमने स्टडी किया। ये जो आइसोनियाजिड है ये इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम्स के लिए एज अ स्ट्रक्चर, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स पे आता है उसमें हम लोग ये जब लिखते हैं सारा कंप्लीट तो ये वन एग्जाम्पल मिलते बोलते हैं एग्जाम में, तो हमने वो एग्जाम्पल्स लिखनी आइसोनियाजिड के हम लिख कर आएंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो अपना अगले है वो ड्रग स्टार्ट करेंगे।